मुझे क्लेरिथिना कार्डियम की प्रॉब्लम थी। पिछले 8 महीने से मुझे खाने निगलने में अटकन पैदा हो रही थी। मेरी सर्जरी परसों ही हुई है, जिससे मुझे काफ़ी रिलीफ है। खाने में भी अब अटकन नहीं हो रही है, खांसी की प्रॉब्लम से भी फायदा है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खाना पीना भी मेरा अच्छे से हो रहा है, सारी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मेरी सर्जरी को 6 महीने हुआ है, मैं सब कुछ खा पी रही हूँ और मेरी कोई भी दवाई नहीं चल रही, बिल्कुल नॉर्मल हूँ मैं। मेरा नाम प्रज्ञा अग्रवाल है, मेरी एज 41 है, मैं सागर MP से हूँ। मुझे क्लेरिथिना कार्डियम की प्रॉब्लम थी। पिछले 8 महीने से मुझे खाने निगलने में अटकन पैदा हो रही थी, बार बार रात में खांसी होती थी और उसके साथ वोमिट होती थी, रिफ्लेक्शन, एसिड रिफ्लेक्शन होता था। इसके बाद मुझे डॉक्टर चिराग ठक्कर का अहमदाबाद में उनका मालूम चला, मैंने यहाँ आके उनसे सलाह ली, उन्होंने मेरा मैनोमेट्री टेस्ट किया, जिससे मुझे एकलेडिया कार्डियम प्रॉब्लम का पता चला, जिसके लिए उन्होंने मुझे लेक्टोस्कोपी नामक सर्जरी करने की सलाह दी। परसों मेरी सर्जरी हुई थी, उसके बाद मुझे लिक्विड डाइट दिया गया। मुझे अब कोई तकलीफ नहीं है, मैं सारा चल फिर रही हूँ, काफ़ी आराम है। सेकेंड डे से मैंने प्रॉपर डाइट भी ली, मुझे किसी प्रॉब्लम खाने में कोई अटकन नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मैं चल फिर भी रही हूँ बाकायदा, मुझे कोई दर्द नहीं है और आज मेरी छुट्टी भी हो रही। मेरा नाम प्रज्ञा अग्रवाल है, जैसे कि मैं पहले मेरी सर्जरी को 5 दिन हो चुके हैं, आज मैं अपने रीचेकअप के लिए आई हूँ डॉक्टर साहब के पास और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खाना पीना भी मेरा अच्छे से हो रहा है, सारी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आज मेरी रिटर्निंग है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नाम प्रज्ञा अग्रवाल है, मुझे एक्लेजिया कार्डिया नामक बीमारी से ग्रसित थी, उसमें मुझे खाना रिफ्लेक्स वापस आता था और एसिड रिफ्लेक्स होता था, रात में मैं सो नहीं पाती थी और मुझे कंटिन्यूस नॉन स्टॉप खांसी चलती थी, जिसमें कई बार मुझे वॉमिट भी हो जाती थी। ये सारी प्रॉब्लम हुई थी मुझे 6 महीने पहले, मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद से आज 6 महीने बाद मैं सेकेंड फॉलोअप के लिए आई हूँ। मुझे 6 महीने में कोई प्रॉब्लम वापस नहीं हुई, सारी प्रॉब्लम मेरी कम हो गई, ख़त्म हो गई और अब मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। नॉर्मल मुझे खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना अटकन होता है, ना खाना रिवर्स होता है, ना एसिड रिफ्लेक्स होता, ना खांसी वगैरह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई हूँ।